नमस्कार। कक्षा 9वीं एक्सरसाइज 13.6 बेलन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित सम हमारे पास है। तो यदि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। बहुत ही आसान सम है हमारे पास। दिया क्या है? बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? h 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना है? 94.2 वर्ग सेंटीमीटर। और मान लो त्रिज्या आधार की r कितनी? r के बराबर होगी, इसको हमने निकालना है। तो क्या समीकरण बनेंगे? बेलन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πrh। किसके बराबर है? 94.2। जो हमारे पास है उसको पुट कर देंगे और जो निकालना है उसको निकाल लेंगे। 2 × π कितनी लेनी है? 3.14 गुना में r गुना में h बराबर में 94.2। तो r बराबर 94.2 बटा में 2 गुना में 3.14 गुना में 5। तो ऐसे हम हल कर लेंगे, पॉइंट हटा दें, 942 बटा में 10 गुना में 2 गुना में 314, ऊपर कितना लगा दें 100 गुना में 5। तो काटे कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा डायरेक्ट, 0 से 0 गई, कितना बच गया? 5, 2 × 5 = 10, 5 से 5 गया। तो r बराबर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या r कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर उत्तर। तो दूसरा पार्ट हमने निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई 3.14, आर 3 स्क्वेयर 2 बार, एच कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। तो 314 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5, दशमलव घटाया नीचे 100, तो काट देंगे, 5 × 5 20 आ गया, काट के 10 आ गया 157, और नहीं काटेंगे ना ही कटे, तो 157 गुना में 3 3 9 बटा में 10, 9 × 7 = 63, 6 बच गया, 9 × 5 = 45 और 6 = 51 5 9 × 5 = 14, यानी कि 141.3 घन सेंटीमीटर उत्तर। बहुत ही आसान सम था। पहले हमने क्या कर लिया? आधार की त्रिज्या निकाली और फिर आयतन निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करवाने का जो खर्च है, व्यय है, वो 2200 रुपए है। तो यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वेयर हो, तो प्रति वर्ग मीटर हो, तो ज्ञात कीजिए बेल बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या, धारिता। देखिए जो हमें दिया है और जो हमें निकालना है उसका इस्तेमाल करते हुए निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या है? पेंट करवाने का खर्च, पेंट करवाने का खर्च कितना है? 2200 रुपए। कितना है? 2200 रुपए। तो देखिए बेलनाकार जो है बर्तन, उसकी गहराई, बर्तन की गहराई यानी जिसको हम h बोलते हैं, वो कितनी है? 10 मीटर। तो देखिए पहले हम खर्च से निकालेंगे, तो खर्च हम किस प्रकार निकालते होते हैं? दर गुना में, यहां पर आंतरिक क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे? आंतरिक क्षेत्रफल। तो हमें निकालना कौन सा है? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो दर इसके नीचे चले जाएगी, तो आंतरिक जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो जाएगा, खर्च बटा में दर, ये इसके नीचे चलेगी दर। तो खर्च कितना है 2200, दर कितनी है 10 रुपए, दर कितनी है 20 रुपए, सॉरी कितनी है 20, तो जीरो से जीरो कितना आ गया 110 वर्ग जो है मीटर, कितना आ गया 110 वर्ग मीटर। क्या चीज आ गई, बर्तन का आंतरिक वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल कितना आ गया 110 वर्ग मीटर, कितना आ गया 110 वर्ग मीटर। अब फॉर्मूले का यूज करेंगे, आंतरिक वक्र के लिए 2πRh बराबर में 110, तो यहां से R निकलेगी, तो 2 गुना में 22 बटा 7 गुना में R गुना में H, H कितनी है 10 मीटर बराबर में 110, तो R बराबर 110 गुना में 7 बटा में 2 गुना में 22 गुना में 10, 0 से 0 भी 11 दुना 22 कितना आ गया 7/4 मीटर। तो दूसरा जो पार्ट है वो भी हमारे पास पूरा हो गया, आधार की त्रिज्या, आधार की जो त्रिज्या है R कितनी आएगी 7/4 मीटर। अब आगे चलते हैं बर्तन की धारिता या बर्तन का आयतन, तीसरा पार्ट बर्तन की धारिता जिसको हम क्या बोलते हैं आयतन। तो कैसा है बर्तन, आपको पता है बेलनाकार है, फॉर्मूला रिकॉल करें पाई आर स्क्वेयर एच, तो पाई आर 7/4 7/4 पाई आर स्क्वेयर एच, एच हमारे पास कितना है 10, तो 7 से 7 कट गया, यहां आ गया 2, यहां आ गया 11, तो 11 7 70 770/8, तो इसको आगे और कर ले 8 9 72 5 0 8 6 48 2 8 9 16 8 5 40, तो घन मीटर उत्तर। इस प्रकार पहले हमने खर्च से क्या निकाला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या निकाला त्रिज्या, फिर त्रिज्या और ऊंचाई से क्या निकाला। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 1 मीटर वाली बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, तो लीटर में है, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, मतलब आयतन हमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 1 मीटर, तो मान लो आधार की त्रिज्या कितनी मान ले आर जो हम निकालेंगे, तो बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता 15.4 लीटर, तो लीटर को आप किसमें चेंज करें मीटर में चेंज करें मीटर क्यूब में चेंज करें, तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर, 1 लीटर फिर कितने बराबर हो गया 1/1000 मीटर क्यूब। तो धारिता या आयतन, तो बर्तन की धारिता फिर कितनी होगी 15.4/1000 मीटर क्यूब, या इसको 154/10000 कितना 10000 मीटर क्यूब। तो धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे, तो प्रश्न अनुसार पाई आर स्क्वेयर एच बराबर में 154/1000, ये फॉर्मूला परली तरफ आयतन, तो पाई 22/7 आर स्क्वेयर एच कितना है 1 मीटर, 154/10000 कितना 10000,
तो आर स्क्वेयर बराबर में 154 बटा में 10,000 ऊपर 7 नीचे 22, तो 22 गुना में 7 तो 49 बटा 10,000, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 7/100 का स्क्वेयर। तो आर की वैल्यू 7/100 मीटर, 7/100 मीटर। अब ये क्या आ गई उसकी त्रिज्या, अब क्या निकालना है वर्ग मीटर में, तो क्या निकाल लेंगे बेलनाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कोई चीज थी लीटर में तो दोनों तरफ से बंद है, तो क्या करेंगे 2 पाई आर प्लस एच, तो 2 गुना में 22 बटा में 7 गुना में आर, तो आर प्लस एच। तो आराम से करते रहेंगे, बेलनाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में, यहां मैं 7 से 7 काट देता हूं, 44/100 ब्रैकेट शुरू, एलसीएम ले लें तो 7+100/100, तो 44/100 × 107/100, 107 को क्या करेंगे 44 से गुणा करेंगे, 7 × 28 वही 7 × 28 8074, तो 4708/10,000, तो दशमलव लगा दें कितना आ जाएगा 0.4708 वर्ग मीटर, ये रहा उत्तर। इतनी जो है धातु की शीट की आवश्यकता हमें पड़ेगी ऐसा बर्तन बनाने के लिए। उम्मीद है ये आपने समझ लिया है, देख लिया है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।